हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आरएस के एग्जाम आने वाले हैं। बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेजेस हैं कि तैयारी नहीं हो पा रही है, पता नहीं चल रहा है कि हम कौन सी स्थिति में हैं, कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए मैं शॉर्ट वीडियो, अभी ऑफिस में था, 2 मिनट फ्री था, मैं बात करना चाह रहा था। देखिए, एक मैं आपको बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी अभ्यर्थी नहीं, ऐसा कोई भी एस्पिरेंट नहीं जिसने तैयारी करते समय उस तरह की डावाडोल स्थिति नहीं आई। हर स्टूडेंट को हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी तैयारी जो है वो मुकम्मल नहीं है, तो आप उसके एक्सेप्शन नहीं। इसलिए आपको बिल्कुल भी इस बात के लिए डिप्रेस नहीं होना है कि पता नहीं हमें कितनी चीजें आएंगी, एग्जाम होगा तो हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, जो कुछ पढ़ा है उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या हमेशा से मेंस के एग्जामिनेशन में खास करके ये आती है कि सिलेबस पहाड़ जैसा सिलेबस होता है, और उसमें आप ये क्या कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करते हैं, हर टॉपिक के इतने इनडेप्थ में चले जाते हैं कि पूरा जो सिलेबस है उसको ऑर्गेनाइज करके उसको कॉन्सोलिडेट करना लगभग न के बराबर हो जाता है। ये समय आपको 3 महीने का मिला, अगर आपको 3 वर्ष का भी मिलता तो कमो बेस यही स्थिति रहती है। अभी ओमिक्रॉन भी आ गया है, पेपर आगे भी हो जाएंगे, अगर पेपर आगे भी हो जाते हैं तो 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, मान लो फर्ज कीजिए, अगर एग्जाम आपके पोस्टपोन हो जाते हैं तो वो भी सबके लिए होगा, तो सबके लिए पोस्टपोन होगा तो सबको और तैयारी का मौका मिलेगा, कंपटीशन तो वैसा का वैसा रहेगा, तो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाइए। पेपर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिन लोगों ने पहले अपना सिलेक्शन करवाया है या जो लोग पहले फेल हो चुके हैं तो उनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये पेपर मीडियोकर पेपर है, हमारे जैसे व्यक्ति अगर उस पेपर में टॉप कर सकते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए, पहले आपका क्या स्थिति रही, आपका क्या बैकग्राउंड रहा, आपने कैसे एग्जाम दिए, वो सब चीजें जो है यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार आप कितने अपने आपको शिद्दत से इसकी तैयारी कर रहे हो। तो एक अपना टेस्ट हमेशा करते रहिए, जब जब आप तैयारी करते हैं हफ्ते भर में 5-7 दिन में, अपना खुद का जो है सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। आप हर्ड मेट्रिक से या भेड़ चाल से खुद को जो है मेन लक्ष्य से खुद को डाइवर्ट कर तो नहीं कर रहे कहीं। तो उन लोगों के लिए मेरी टिप्स ये है कि आज जो डेट हो गई उसे 4 या 5 दिन बाद तय कर लीजिए कि जो पिछले बार वाले पेपर है वो 4 पेपर आप देखे देखिए। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप पेपर देने की स्थिति में, 2 महीने बाद भी आपको लगेगा हमारे पेपर देने की तैयारी नहीं है, स्थिति नहीं है। तो आप किसी भी एक गिवन डेट को विद इन अ वीक पेपर दीजिए। जिन लोगों ने पिछले साल वाले भेज दिए वो 4 पेपर दीजिए, जिन लोगों ने पिछले साल के दिए तो उससे पहले वाले जो है वो देखे देखिए, इससे आपका रियल असेसमेंट होगा। देखिए, आप यहाँ पर खुद को बुलावे में रखे, खुद को छत में रखकर जो है सेल्फ इल्यूजन मोड में नहीं रह सकते। जब तक आप पेपर नहीं देंगे तब तक आप खुद को जान ही नहीं पाओगे कि आपकी तैयारी कौन सा जो है आपकी तैयारी के ग्रे एरियाज है, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो वो अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल निरशील विवेक जागृत होगा, आप बिल्कुल क्लियरली चीजों को ऑब्जर्व कर पाओगे कि किन चीजों में अभी भी आपको काम करने की आवश्यकता है। बाकी आप बिल्कुल मत घबराइए, अगर इस पेपर में आप 50% भी परफॉर्म करते हैं तो आपकी नौकरी पक्की है, बहुत अच्छी नौकरी पक्की है, और आप इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। आप अपने आप से वादा कीजिए और इस राह पर चलते रहिए। शुक्रिया।